हेलो दोस्तों, वेलकम टू गैरेज ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है और आज आपके लिए लेके आया हूँ 2021 का BS6 मॉडल टाटा टियागो जो हमारे साथ में है। ये मॉडल का नाम है XZ मॉडल, जो सेकंड टॉप मॉडल आता है। इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा, क्या प्राइस पॉइंट पे आती है, क्या फीचर्स आते हैं और आपको क्या इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में आपके लिए इसका एक डिटेल रिव्यू भी लेकर आएंगे, जहाँ पर हम आपको इसका एक ड्राइविंग इंप्रेशंस देंगे। आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको ये गाड़ी करनी चाहिए या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, लेट्स गो। चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं इसके वॉक अराउंड की तरफ। सबसे पहले चेक करते हैं इसकी चावी, ये देख लीजिए, लॉक एंड अनलॉक का मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है। जब आप इसे ये लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो इसके मिरर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे एंड इस तरह से ये अनलॉक हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं इसका फ्रंट लुक। दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुकिंग कार है, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगता है। जब आप इसे फ्रंट से देखोगे, यहाँ पे फ्रंट में आपको ट्राई आरो मोटिव के डिज़ाइन दिए गए ग्रिल की तरफ और आपको ये ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। जब आप इसका हुड चेक करोगे, यहाँ पे आपको क्रीज लाइंस दिए गए हैं। जब आप दूर जाओगे तो आपको एक नोज फॉर्मेशन ये बन जाता है। यहाँ पे अंडर द ग्रिल के यहाँ पे आपको एक क्रोम की स्ट्रिप दी गई है। ये XZ मॉडल है, जो सेकंड टॉप मॉडल आता है और यहाँ पे आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिल जाती है, जहां पे इंडिकेटर इसमें भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। नीचे आप चेक करोगे तो फॉग लैंप भी आपको यहां पे दिया गया है और ये फ्रंट बम्पर का डिजाइन इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिल जाता है। जब आप इसका डिजाइन चेक करोगे तो टियागो एंड टिगोर का जो फ्रंट डिजाइन है काफी हद तक सिमिलर लगता है और मुझे ये काफी बढ़िया लगता है। एंड ये सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां आती है उनसे तो मुझे इसका डिजाइन काफी बढ़िया लगा है। चलिए अभी साइड की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे इसका डिजाइन। साइड से देख लीजिए कैसा है इसका डिजाइन। सबसे पहले चेक करेंगे इसके व्हील्स। आपको दूर से देखने पे ये अलॉय व्हील्स लगेंगे, पर ये अलॉय व्हील्स नहीं है, ये व्हील कवर दिया गया है, आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल में देखने को मिल जाता है। गुडियर के टायर्स दिए गए हैं, जिसकी साइज है 175/65R, 14 इंच के टायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो चारों टायर्स है वो गुडियर की ही है। यहाँ पे गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मिरर के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेट करके दिया गया है, विच इज़ रियली गुड थिंग। एंड यहाँ पे आप जब विंडो एरिया चेक करोगे वो काफ़ी डिसेंट है, आपको अंदर जरा भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, अच्छा खासा एयरी फील यहाँ पे हो ही जाता है। चेक करते हैं इसके डोर्स कितने खुलते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि टाटा अल्ट्रोज में आपको 90 डिग्री डोर ओपन मिलते हैं, पर टियागो में आपको नहीं मिलता है। बट आपको अंदर बाहर जाना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, आप आसानी से अंदर यहाँ पे आ सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एजेड पर्सन भी हो तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी पीछे आते हैं, पीछे का डिज़ाइन देख लीजिए किस तरीके का है। सबसे पहले देखते हैं इसका टेल लाइट का डिज़ाइन, जो काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पे आपको पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, जो आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल में मिलता है। सेंटर में टियागो की बैजिंग और आपको यहाँ पे चाबी दी गई है, जिससे आप अपना बूट को ओपन कर सकते हो। देख लीजिए बूट साइज़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, अराउंड 260 लीटर के आसपास का बूट साइज़ इसमें देखने को मिलता है, जो थोड़ा छोटा है और जिसका जो लोडिंग लिप है काफ़ी नीचे है। अगर आपको सामान उठा के डालना होगा तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा बड़ा बूट साइज़ मिलता तो अच्छा होता। टाटा अल्ट्रोज में आपको ज़्यादा बूट साइज़ मिलती है कम्पेयर टू टियागो। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपको दिया गया है, विच इज़ रियली गुड थिंग। पीछे कोई भी इल्यूमिनेशन लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी एंड आपको यहाँ पे टाटा की तरफ से टायर मोबिलिटी का किट भी देखने को मिल जाता है। चलिए अभी पीछे का बूट बंद करते हैं। पीछे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर जरूर देखने को मिलते हैं, बट पीछे से आपको दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पे चार रिवर्स पार्किंग सेंसर होना जरूरी है इस सेगमेंट में, क्योंकि दो ही देना विच इज़ नॉट आई थिंक अ कॉस्ट कटिंग। बाहर से अगर रिवर्स पार्किंग सेंसर लगाओगे तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पे जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर दे दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे ये लाइट भी देखने को मिल जाती है। कोई भी आपको पीछे एंटीना देखने को नहीं मिलता है, शार्क फिन नॉर्मल एंटीना आगे आपको फ्रंट में दे दिया गया है। अभी अंदर जाते हैं, जो सेकेंड रो एरिया है आई थिंक दो लोगों के लिए आराम से आप बैठ सकते हो। तीसरा बंदा अगर यहाँ पे बैठेगा तो उसको दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अंदर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मेरी जो नी रूम है वो अच्छी खासी है और यहाँ पे जो हेड रूम है वो भी मुझे अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा है। ये देख लीजिए, मेरी हाइट जो है वो लगभग 5.6 है, जिस वजह से मुझे अच्छी नी रूम और हेडरूम देखने को मिल रही है। बट अगर कोई टॉल बंदा बैठेगा तो उसे ज़रूर कम जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पे चेक करोगे तो आपको हार्मन कार्डन के म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपनी आप चाबी रख सकते हो और यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। चारों पावर विंडोज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक ट्विटर दिया गया है और इसमें आपको
आगे चेक करोगे तो पीछे कोई भी रेयर ऐसे इवेंट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको वो आगे ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिल जाएगी जो अंदर आपको दी गई है, एंड यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको हैंडल्स भी दिए गए हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं और आपको आगे से बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले फ्रंट डोर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे चारों पावर विंडोज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है और यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल आराम से रख सकते हो आपको, और यहाँ पे भी कुछ सामान आपका आराम से आ जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले तो इसका सीट, फ्रंट सीट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको अलग से एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब ये नई गाड़ी जिस वजह से प्लास्टिक तो हटाया हुआ नहीं है, बट ये ट्राई एरो मोटिव का डिज़ाइन जो है आपको टाटा के ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आजकल देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पे आप चेक करोगे इसका स्टेयरिंग व्हील, तो काफ़ी चंकी स्टेयरिंग व्हील दिया गया है विद द फ्लैट बॉटम, यहाँ पे देख लीजिए, जिससे काफी ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन इसको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हॉर्न दिया गया है, हॉर्न का आवाज भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, फोन को कॉल उठा सकते हो, एंड वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो स्टॉक कंट्रोल दिया गया है फॉर द वाइपर्स, एंड राइट साइड में आपको हेडलैम्प के लेवलर्स दिए गए हैं, और सेंटर में आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो आपको मैं आगे चेक करके जरूर बताऊंगा। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है विद द रिवर्स, और सेंटर में आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, हैंड ब्रेक यहां पे आपको दे दिया गया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और क्या क्या इसमें मिलता है। देख लीजिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आरपीएम मीटर एंड वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको टॉप एंड मॉडल में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको सनवाइजर दिया गया है फॉर द फ्रंट पैसेंजर, यहाँ पे कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। एंड जब आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक वाइजर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे मिरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ड्यूल एयरबैग्स ईबीएस प्लस ईबीडी प्लस ये सारी चीजें सेफ्टी में मिल जाती है। जो आपके फ्रंट टायर है उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए एसी वेंट्स का डिजाइन काफी ज्यादा स्लीक है, और यहाँ पे सराउंडिंग में आपको क्रोम स्ट्रिप दी गई है विच एनहांसेस द लुक ऑफ द कार। बात करेंगे टचस्क्रीन सिस्टम के बारे में तो एक छोटा सा टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है जो काफी अच्छी तरीके से काम करता है, बट यहाँ पे मुझे एक दिक्कत लगती है जो इसका रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा स्लो है, उतना थोड़ा सा लैगी मुझे महसूस होता है, बट आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको हार्मन कार्डन के सिस्टम दिए गए हैं जो म्यूजिक काफी अच्छी तरीके से प्ले होता है। आपको आगे मैं एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करके दिखाऊंगा जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि गाड़ी में म्यूजिक किस तरीके से चलता है। यहाँ पे आपको देख लीजिए मिरर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ट्विटर दोनों साइड में देखने को मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करूं तो बहुत ही बढ़िया है, पीछे आपको एक मिरर यहाँ पे रेयर मिरर देखने को मिल जाता है जिससे आप पीछे का लुक आराम से देख सकते हो, ये ऑटो डिमिंग नहीं है। एंड यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिल जाएगी जो एलईडी लाइट है, विच इज़ रियली गुड थिंग, नॉर्मल लाइट्स यहाँ पे नहीं मिल रही है, देख रही है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो सीट जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सीट्स है, और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। अभी यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है तो उससे आपको ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करना पड़ जाएगा, यही एक डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जहाँ पे अगर आपको यूएसबी लगाना हो तो इस तरह के एक्सेसरीज आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे छोटी मोटी स्पेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स चेक करेंगे तो ये कूल ग्लव बॉक्स है, विच इज़ रियली गुड थिंग। कूल ग्लव बॉक्स होने की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फॉर द लॉन्ग रन, जब अगर आप अपने कोई भी चीज़ें रखते हो तो वो ठंडी ही रहेंगी, लाइक बॉटल्स, अपने बॉटल्स अगर रखोगे तो यहाँ पे वो ठंडी रहने वाली है। यहाँ पे आपको सेंटर में देख लीजिए 2 कप होल्डर्स के लिए जगह दे दी गई है, और यहाँ पे भी आप छोटे मोटे सामान रख सकते हो, और यहाँ पे भी एक अपनी बॉटल यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो। तो ये था इसका इंटीरियर का लुक, आपको सारे मैंने चीज़ें बता दी क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देख लीजिए ये फिक्स्ड है, इसे आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड कुछ और तो बताने जैसे तो चीज़ें बची नहीं है। एंड मुझे तो डिज़ाइन इसका पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आप सभी लोग को बताया इसकी जो खास क्वालिटी है वो है म्यूजिक सिस्टम की, आपको म्यूजिक सुनाता हूँ और आप बताइए कि आपको ये म्यूजिक कैसा लगा। We'll be right back.
आप अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा है और क्या आपके गाड़ी में ऐसा म्यूजिक सिस्टम है या नहीं। तो प्राइस की बात करेंगे, टाटा टियागो जी जो एग्जेड मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल है ये, ऑन रोड मुंबई में आपको लगभग 7.10 लाख के आसपास आ जाता है। अभी डोंबिवली में ये गाड़ी आपको 7 लाख के आसपास मिलेगी, बट अगर आप इसको प्रॉपर मुंबई सिटी में जाके कहीं पे भी खरीदोगे तो 7,15,000 के ऊपर ही इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा। इसका एक शोरूम प्राइस है वो है 6.08 लाख। प्राइसिंग के मामले में ये एक वैल्यू फॉर मनी बन जाता है क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट टॉप एंड मॉडल में जितने सारे फीचर्स मिलते हैं वो सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एक्सेक्ट रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो और इसके जो अलॉय व्हील्स है ये एक्चुअली व्हील कैप है, पर इसका डिज़ाइन आपको देखोगे तो आप थोड़ा चौंक जाओगे क्योंकि ये नॉर्मल व्हील्स है जिसपे सिर्फ अलॉय व्हील कैप लगाया गया है, जिसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है फ्रॉम द टॉप एंड मॉडल। तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो ये सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ आती है लाइक इग्निस हो गई, सेंट्रो हो गई या फिर नियोस भी हो गई, उन सभी गाड़ियों से ये बेहतर है। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है और जो पावर भी अच्छी खासी दे देता है। एंड इसका एक डिटेल रिव्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे आने वाले समय में, जहाँ पर आपको एक डिटेल इसके बारे में बताएंगे कि गाड़ी चलने में कैसी है, इसकी विजिबिलिटी कैसी है, आपको क्या ये कंसिडर करना चाहिए या नहीं। 1.2 लीटर का इंजन, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा अगर आप इसे फैमिली के साथ में भी लेके जाते हो, 5 लोग के साथ बैठकर भी लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे आपको इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है ये सारी चीज़ें बताएंगे। और साथ ही साथ इसके ओनर से भी आपको मिलवाएंगे, जहाँ पे आपको उनसे मिलवा के सारी जानकारी दिलवाएंगे क्योंकि उनके पास पहले सिलेरियो थी, उन्होंने सिलेरियो से शिफ्ट होकर अभी टियागो लिया है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ। तो हम आपके लिए एक ओनरशिप वीडियो भी लेकर आएंगे, अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना विद ओनरशिप वीडियो तो आपके लिए गूगल डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म में छोड़ दूंगा, वहां पे जाके फिलअप कीजिए। अगर आप मुंबई में कहीं पे भी रहते हो तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको मैं कॉल बैक करूंगा और आपका एक ओनरशिप वीडियो भी आपके साथ जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे। जाने के पहले एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको मुझसे कॉल पे कनेक्ट करना है या फिर वीडियो कॉल करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग बाइंग एनी बाइक और कार, तो आप मुझसे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिलअप कीजिए एंड मुझसे कॉल पे जुड़िए, जहां पे आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ये एक पेड कंसल्टेंसी सर्विस है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही वो फॉर्म फिलअप करना। चलिए दोस्तों, मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ड्राइव सेफ।